अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, आई होप यू आर गुड। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना पिछला लेसन भी बहुत अच्छे से याद किया होगा। आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक करना है मिसाके लखनऊ और तहरीके खिलाफत। शुरू करते हैं सवाल, मिसाके लखनऊ 1916 और तहरीके खिलाफत 1919 के बारे में आप क्या जानते हैं? जवाब, मिसाके लखनऊ 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मुश्तरका अजलास हुआ। दोनों पार्टियों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया जिसे मिसाके लखनऊ का नाम दिया गया। इस मुआहदे में पहली बार मुसलमानों को अलग कौम तस्लीम किया गया और जुदागाना इंतखाबात के मुतालबे को तस्लीम किया गया। कबल अज़ 1909 में मंटो मार्ले असलाहत में इस मुतालबे को हुकूमत पहले ही कबूल तस्लीम कर चुकी थी। मिसाके लखनऊ की बदौलत कायदे आज़म को हिंदू मुस्लिम इतिहाद का सफ़ीर करार दिया गया। कहते हैं कि 1916 में लखनऊ के मुकाम पर वो जो मुआहदा तय पाया था उसको मिसाके लखनऊ बोलते हैं। मिसाक कहते हैं कोई भी वादा, और इस मिसाके लखनऊ में वही बातें जो थी उन्होंने दोबारा दोहराई थी कि जब 1909 में कबूल कर ली गई थी जो मुतालबात मुसलमानों ने हुकूमत के सामने रखे थे कि उनको अलग से इंतखाबात करने का मौका दिया जाए और साथ में उनको अलग कौम तस्लीम की जाए। और इस माहदे के बाद वो कहता है कि कायदे आज़म को भी हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इतिहाद कायम करने का सफ़ीर करार दे दिया गया था। नेक्स्ट है तहरीके खिलाफत 1914 में शुरू होने वाली पहली जंग अजीम में तुर्की ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जर्मनी का साथ दिया। जंग में जर्मनी और इसके हल्फियों को शिकस्त हुई। जंग के खात्मे पर अंग्रेज़ों ने अरब शाम इराक और फ़लस्तीन और अर्दन के इलाकों से महरूम कर दिया जिससे तुर्की का वजूद खतरे में पड़ गया। इस तरह तुर्की की खिलाफत को बचाने के लिए बड़े सगीर के मुसलमानों ने 1919 में एक मुल्क की तहरीका आगाज़ किया जिसे तहरीके खिलाफत के नाम से याद किया जाता है। इस तहरीक के मकासद दर्जे ज़ैल थे, तुर्की की खिलाफत कायम रखी जाए, मुसलमानों के मुकद्दस मुकामात तुर्कों की हिफाजत में रहें, तुर्की के हदूद में तब्दीली ना की जाए। जब 1914 में जब पहली जंग हुई तो उस वक्त अंग्रेज़ों ने तुर्की के रहने वालों ने जर्मनी का साथ दिया था और पर जर्मनी को उस जंग में जो थी वो शिकस्त हो गई थी और उसके बाद अंग्रेज़ों ने अपना बदला लेने के लिए उनसे अरब शाम इराक फ़िलिस्तीन और अर्दन के जितने भी इलाके तुर्की के अंदर आते थे उनको वहाँ से निकाल दिया और अलग कर दिया जिसकी वजह से तुर्की को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मगर वहाँ के रहने वाले मुसलमानों ने तुर्की का साथ देते हुए मुल्क के अंदर रहकर एक तहरीक का आगाज़ किया जिसको तहरीके खिलाफत का नाम दिया गया था और उसके मकासद यह थे कि किसी भी तरह से तुर्की को बचा लिया जाए, उसकी खिलाफत को कायम रखा जाए। इसके अलावा उसके अंदर जितने मुसलमानों के मुकद्दस मकाम आते हैं उनको तुर्की की हदूद से मत निकाला जाए और वहाँ मुसलमानों के मुकद्दस मकाम को तुर्की की हदूद में ही रखा जाए, वही उनकी हिफाजत करें। इसके अलावा जितनी भी तुर्की जहाँ तक फैला हुआ है उसकी हदूद में कोई भी तब्दीली ना लाई जाए। आई होप क्लास आप आज का लेसन बहुत अच्छे से याद करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ क्लास।